मीठे के बिना तो सब कुछ अधूरा है, चाहे वो कोई ओकेजन हो, फेस्टिवल हो, पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो, यहाँ तक कि रोज का खाना भी, है ना दोस्तों। तो आशाद स्पाइसेस आज शेयर कर रही हूँ बूंदी की खीर की रेसिपी, जो कि मिनटों में तैयार हो जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट है और मिथिला कुजीन में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसको सकरौरी के नाम से जाना जाता है। इसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अपने स्टाइल में बनाया है, तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी। एक पैन ले लेते हैं और इसमें मैंने डाल दिया है आधा लीटर के लगभग दूध। गैस ऑन करते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको हम गरम करते हैं। अगर हम ज़्यादा दूध ले, जैसे कि 1 लीटर, तो उसको उबालते हुए हमें 1/2 लीटर करना है, जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने आज यहाँ पर 1/2 लीटर दूध ही लिया है और इसको अच्छी तरह से पहले हम बॉईल कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी अपकमिंग रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब 1/4 कप गुनगुने दूध में मैंने सिर्फ 1 बड़ा चम्मच डाला है कस्टर्ड पाउडर का और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको हम उबलते हुए दूध में डाल देंगे। जैसे मिक्स करें ताकि ये लम्प्स फ्री रहे। इससे खीर में बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आ जाएगा और बहुत देर तक उबालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा। और इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसीलिए हमने कम कस्टर्ड का यूज़ किया है, बिल्कुल इसे हमें क्रीमी कंसिस्टेंसी में रखना है। अब इसमें डाल रहे हैं 1 बड़ी चम्मच के लगभग चीनी और इसको भी डिज़ोल्व होने तक इसमें पका लेते हैं। आज इसको बनाने के लिए मैंने मीठी बूंदी का यूज़ किया है, तो चीनी कम यूज़ किया है। अगर आप प्लेन बूंदी का यूज़ कर रहे हैं, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा बढ़ा सकते हैं। इसमें डाल रहे हैं 1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, 15 से 20 काजू, 12 से 15 पिस्ता, 8 से 10 बादाम जो बिल्कुल बारीक कटे हुए हैं, 1 बड़ा चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। आप गड़ी या सूखे हुए नारियल को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। साथ ही डाल दिया है 20 से 25 मखाना और 8 से 10 किशमिश और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और 1 से 2 मिनट तक थोड़ा सा और पका लेते हैं। और अब इसमें डाल रहे हैं 1 बोल के लगभग मीठी बूंदी। मीठी बूंदी की रेसिपी मैं पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर मार्केट से खरीद कर आप ला सकते हैं। और बस 1 मिनट तक पकाने के बाद बूंदी की खीर बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्म या ठंडा दोनों सर्व कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा गरम सर्व कर रही हूँ और गार्निश कर लेते हैं थोड़े से ड्राई रोज पेटल्स और कुछ बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता, 3 से 4 धागे केसर के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी है कि आप इसे या तो खा सकते हैं या पी भी सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल कम समय में तैयार हो जाती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। किसी भी ओकेज़न पे या पूजा फेस्टिवल में बनाइए, सबों को बहुत ही पसंद आएगी। और मुझे अपने फीडबैक कमेंट में देना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।